विमान की लगातार घटनाओं के बाद अब तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान एयर इंडिया का विमान एयर ट्रैफिक कंट्रोल की दीवार से टकरा गया। सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि विमान की दीवार से टकराने के बाद पायलट को इसका पता नहीं चल पाया और विमान करीब 4 घंटे तक उड़ान भरता रहा। विमान में 130 यात्री और 6 क्रू मेंबर मौजूद थे। सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें दूसरे विमान से दुबई भेजा गया। विमान शुक्रवार सुबह 5:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयर इंडिया के मुताबिक त्रिची एयरपोर्ट के अधिकारियों ने पायलट को बताया कि शायद टेक ऑफ के वक्त ऊंचाई कम रहने पर विमान के पहिए दीवार और ETC के एंटीना से टकरा गए हैं। पायलट ने कहा कि एयरक्राफ्ट का सिस्टम पूरी तरह ठीक है, हालांकि एहतियातन इसे मुंबई में उतारा गया। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट किया है कि इसकी जाँच के लिए कमेटी बनाई गई है। SPN न्यूज़रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।